हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आई स्मार्ट टेक। तो जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन जो है लगभग खत्म ही हो गया है, लेकिन अभी कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं या कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो जब भी वर्क फ्रॉम होम हम करते हैं तो हमें जो है एक प्रिंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हमें कुछ प्रिंट वगैरह निकालना होता है तो जो है प्रिंटर हमारे लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर अगर आप वर्क फ्रॉम होम नहीं भी कर रहे हैं और आप जो है एक स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी जो है प्रिंटर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपके घर में जो है एक प्रिंटर हो, जिससे कि आप अपने प्रोजेक्ट वगैरह का काम आसानी से कर सकें। क्योंकि पहले का टाइम कुछ और था, लेकिन अब क्या है कि चाहे छोटी क्लास हो या फिर जो है बड़ी क्लास हो, तो प्रोजेक्ट वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा बनते हैं और उनकी जो है प्रिंटिंग वगैरह की जो कॉस्ट होती है वो जो है हमें काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है मार्केट में। तो उससे बढ़िया है कि हमारे घर पे ही जो है एक प्रिंटर हो और जो है जो कि ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो और जो जिसकी प्रिंटिंग क्वालिटी हो वो भी जो है काफ़ी ठीक ठाक हो। तो आज ऐसे ही एक प्रिंटर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने प्रोजेक्ट के काम इजीली जो है घर पे ही कर सकते हैं और या फिर जो है आप अपने ऑफिस वगैरह की जो प्रिंटिंग वगैरह का काम है उसे भी आप जो है इजीली अपने घर पे ही कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, प्रिंटर को रिफिल करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो जिस प्रिंटर के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो है कैनन पिक्समा G3060। तो इसी प्रिंटर के बारे में मैं आज आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या क्या फीचर होने वाला है इस प्रिंटर में और क्या चीज़ आप इस प्रिंटर में कर सकते हैं और क्या चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। तो किस लिए आपको ये प्रिंटर लेना चाहिए और किस काम के लिए आपको ये प्रिंटर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो आप जो है वीडियो पर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अब बात करते हैं प्रिंटर के फीचर के बारे में कि क्या क्या फीचर इसमें आपको मिलने वाले हैं। उससे पहले बात करते हैं कि ये प्रिंटर जो है एक तो आपको जो है ऑल इन वन प्रिंटर होने वाला है, यानी कि इसमें प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों ही चीज़ें आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि एक इंक टैंक प्रिंटर होने वाला है, जिसमें कि आप जो है कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ही टाइप की जो है फोटो कॉपी और प्रिंट आप इसमें ले सकते हैं। प्रिंटर में जो है दो टैंक दिए गए हैं इस बार, लेफ्ट साइड में जो है ब्लैक टैंक मिल जाएगा आपको, ब्लैक इंक का टैंक, और राइट साइड में जो आपको कलर इंक का टैंक देखने के लिए मिलने वाला है। और जो है साथ ही आप जो है इसे रिफिल करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, सिर्फ आपको जो है इंक की बोतल के ढक्कन को खोल के सिर्फ उसके ऊपर जो है इसे फिक्स कर देना है और वो अपना आप ही जो है रिफिल होने वाला है, यानी कि आपको प्रिंटर को रिफिल करने में जो है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। एक चीज़ और बढ़िया है प्रिंटर में कि इसमें जो है एक मोनो डिस्प्ले भी दिया हुआ है जो कि 5.08 सेंटीमीटर का है, जिसके थ्रू आप जो है आसानी से जो है चेक कर सकते हैं कि जो है उसमें जो है कमांड वगैरह आप जो है आसानी से दे सकते हैं। बॉर्डरलेस प्रिंटिंग इसमें आप कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर आपको मिलने वाली हैं। जो इसकी मेंटेनेंस कार्टेज है उसे भी जो है आप खुद से जो रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि जो आपका जो वेस्टिंग पैड जो होता है उसे भी आप जो है खुद से ही जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये भी जो है बहुत इजीली आप जो है चेंज कर सकते हैं और काफ़ी बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी इस प्रिंटर में कि इसे आप जो है खुद से ही जो है चेंज कर सकते हैं। प्रिंटर का जो वेट है वो 6.4 केजी होने वाला है और प्रिंटर में आपको जो है मोबाइल क्लाउड प्रिंटिंग का ऑप्शन भी मिलने वाला है, इजीली आप जो है मोबाइल से प्रिंट निकाल सकते हैं, यानी कि आपको सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से कैनन की जो है फोटो एडिटिंग ऐप को जो है इंस्टॉल कर लेना है और उसके थ्रू आप जो है प्रिंटिंग कर सकते हैं। पर मिनट जो है 6 से 7 पेज ये आपको जो है प्रिंट करके दे सकता है। बात करूँ अगर प्रिंटिंग कॉस्ट की तो ये जो है 29 से 30 पैसे इसकी जो है पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट आपको पड़ने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता होने वाला है, क्योंकि जो मार्केट में अगर ब्लैक एंड व्हाइट पेज अगर आप प्रिंट करवाते हैं तो कम से कम जो है 5 रुपये में वो होता है, और बात करूँ अगर कलर प्रिंटिंग की तो 15 से 20 रुपये पर पेज जो है कलर प्रिंटिंग मार्केट में होती है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके पास अपना खुद का प्रिंटर हो तो आप जो है कितना ज़्यादा पैसा जो है सेव कर सकते हैं। ये एक जो है USB प्रिंटर होने वाला है। यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूँ, अगर आप जो है प्रिंटर को एक बार रिफिल कर लेते हैं पूरा तो आपको जो है 7600 जो है ब्लैक एंड व्हाइट पेज आपको मिलने वाले हैं और 7700 के आसपास जो है कलर पेज ये आपको प्रिंट करके देने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं प्रिंटर की कॉस्ट की, तो ये प्रिंटर आपको मार्केट में 17400 रुपये में आपको मिलने वाला है। प्राइस जो है वेरी करते रहता है ऊपर नीचे, तो आप जो है एक बार जो है इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही जगह जाके जो है चेक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट प्रिंटर होने वाला है, काफ़ी स्पेस में भी जो है काफ़ी कम जगह ये आपको जो है घर पे लेने वाला है, यानी कि इजीली जो है कहीं पे भी जो है ये फिट
हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये प्रिंटर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जो है लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही नॉलेजेबल टेक्निकल वीडियो लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।